नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बलूच विद्रोहियों की बहादुरी से डरी पाक सेना मैदान छोड़कर भागने लगी है। उसके जवानों को हर पल हमले का डर सता रहा है। नोस की ओर पंजगुर अटैक के बाद पाक सैनिक डर और दहशत के साए में जी रहे हैं। खबर है कि नोस की आर्मी कैंप में तैनात 365 जवान अपने घरों को लौट गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा सैनिकों ने छुट्टी की अर्जी दे दी है। इससे सिर्फ इस्लामाबाद में ही हड़कंप नहीं है, बल्कि रावलपिंडी के सेना मुख्यालय में भी हल्ला मच गया है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के लगातार बढ़ते हौसलों से घबराई पाकिस्तानी सेना का ढांढस बंधाने के लिए चीन से लौटने के बाद इमरान खान तुरंत बलूचिस्तान के नौशकी पहुंचे हैं। उनके साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी मैदान छोड़कर भागते सैनिकों को रोकने के लिए साथ गए हैं। इमरान ने यहां भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए भागते जवानों को थामने के लिए सैलरी बढ़ाने का लॉलीपॉप तक दे दिया, मगर इसके बावजूद सैनिकों में मची भगदड़ थमने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आपको याद दिलाते कि पिछले हफ्ते नोस की ओर पंजगुर हमले में बलूच फ्रीडम फाइटर ने 170 पाक सैनिकों को ठोकने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान मौतों की संख्या गोल कर गया है। उसने एक अफसर समेत 4 जवानों के मरने की बात कबूली है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है और इस वक्त वहां चल रहे बलूचों के कत्लेआम, दुष्कर्म और अपहरण की घटनाओं को दबाने में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, उसने भारी तादाद में हताहत सैनिकों की गिनती भी नहीं बताई है। इससे पाकिस्तानी सैनिकों के हौसलों पर विपरीत असर पड़ा है। वे दहशत का शिकार हो रहे हैं और फौज की नौकरी छोड़कर वापस घरों को लौटने लगे हैं। इन हमलों में मारे गए जवानों को उचित सम्मान न मिलने से भी वे शीर्ष अधिकारियों से नाराज हैं और बड़ी संख्या में छुट्टी की अर्जियां दे रहे हैं। सैनिकों में मची अफरा तफरी और उनको भागने से रोकने के लिए इमरान खान ने नौशकी में फ्रंटियर कोर्प्स और पाक रेंजर्स कर्मियों के वेतन में 15% वृद्धि की घोषणा की। इतना ही नहीं, लौंडे ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए सेना की शान में जमकर कसीदे पड़े। उन्होंने मारे गए सैनिकों की भी जमकर तारीफ की। लौंडे ने डिंगे आंकते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी और कोई भी सेना पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की क्षमता की बराबरी नहीं कर सकती है। यानी भारत से 4 युद्धों में तसरी पिटवा चुकी फंटर और रैपिस्ट आर्मी लौंडे की नजर में सबसे बहादुर फौज है। अमेरिका द्वारा 2011 में एबटाबाद सर्जिकल स्ट्राइक, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और भारत से 2 सर्जिकल स्ट्राइक इसी बहादुर सेना के होते हुए पाकिस्तान की धरती पर हुई है। इतने नहीं, दुनिया के इसी श्रेष्ठ सेना के 90,000 से ज्यादा बहादुरों ने भारतीय सेना के सामने तशरीफ झुकाकर इंशाअल्लाह बोला था और अब बलूच फ्रीडम फाइटर के सामने उसी तशरीफ को झुकाकर घुटनों के बल वापस भाग रहे हैं। मजे की बात यह है कि लौंडे ने पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की सैलरी बढ़ाते हुए मदरसा मुल्क की कंगाली का भी रोना रोया। यानी इमरान खान को बहुत मजबूरी में सैलरी बढ़ानी पड़ रही है। वे मैदान से भागते जवानों को किसी तरह रोकना चाहते हैं, जबकि लौंडे के साथ गए जनरल बाजवा ने सेना की शान में जमकर गीत गाए हैं और आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों पर कठोर कार्रवाई का ऐलान किया है। दरअसल पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सूबा बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। यहां बलूचों की अपनी सेना बेहद ताकतवर होकर उभरी है और लगातार बड़े हमले करके पाक फौज में दहशत फैला रही है। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है। वहीं कराची भी बलूच फ्रीडम फाइटर की जद में है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से होकर गुजरता है। एक समय ग्वादर बंदरगाह पर भी बलूचों का ही नियंत्रण था, जिसे पाकिस्तान ने अब चीन को सौंप दिया है। इमरान खान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी का कारण खेलते हुए बलूचिस्तान आवाम को भी लोलीपॉप देने की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान के हाथ से बाजी निकल गई है। आइए सुनते हैं इमरान खान ने कैसे बलूचों को मुल्लाई ख्वाब दिखाए हैं। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हैं, मैं इनको अश्योर करना चाहता हूँ कोई भी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, मुझे एहसास है कि थोड़े से फेजेस में कई दफ़ा मिलिट्री गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में ज़्यादा काम किया, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं या इतने फंड्स बलूचिस्तान में नहीं लगाए होंगे जो हमारी इस हुकूमत ने लगाए हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम अब कर रहे हैं और जिससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो चमन से लेके कोयटा और कराची का एक पूरा हाईवे बना रहे हैं, जिसकी हमने पैसे भी एलोकेट कर दिए हैं। इससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बड़ा सूबा है, बड़े बड़े फासले हैं, आबादी कम है,
इसके अपने चैलेंजेस हैं। अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है इस बारी और होती जा रही है। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी बलूचिस्तान के ऊपर और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर हम ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि वो पीछे रह गए हैं। और जो भी इलाके पीछे रह गए हैं जिस तरह हमारा जो पुराना कबायली इलाका था वहाँ के लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी फंडिंग जो हो वो सारे उन इलाकों पर जाए जैसे गिलगित बल्तिस्तान है वो पीछे रह गया। इन सारे इलाकों के ऊपर हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी हम इन इलाकों के ऊपर पूरी तवज्जो देंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।